जी जी ओके नमस्कार, मैं हूँ विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूँ हिना खान। हाय, मैं हूँ रोहन शाह। और आप हमें देख रहे हैं सिने स्पीक्स में। सो हाय, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। और हमने ट्रेलर भी देख लिया और हम भी हैक्ड हो गए, क्योंकि सर आपका ये जॉनर जो है वो पहली बार हमें बहुत डिफरेंट लगा, और हम क्योंकि आपके फ़ैन हैं बहुत बड़े हॉरर वाले जॉनर के, तो आप बताइए सर ये कैसे प्लान हुआ आपका हैक करने का, इन लोगों को, लोगों के दिलों को हैक करने का। लोगों के दिलों को हैक करने का, तो एक्चुअली देखा जाए तो कभी कभी रियल लाइफ जो है वो भूतों की दुनिया से ज़्यादा हॉरिफाइंग हो सकती है। और ये जो इंटरनेट हैकिंग, इंटरनेट स्टॉकिंग का जो माहौल है, के जो इंसिडेंट्स हैं, वो इतने भयानक हैं, इतने खौफनाक हैं कि हमने सोचा कि जब हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो क्यों ना इस पर फिल्म बनाई जाए। और ये जो आपके बगल में दो टैलेंटेड एक्टर्स बैठे हैं, उनका कैसे आपने सिलेक्शन किया सर? बस वो लोग आ गए ऑफिस तो ले लिया मैंने, कहा चलो। बताइए। देखिए, हीना ने तो बहुत काम किया ही है वैसे टेलीविज़न पे, और मुझे इस फिल्म के लिए एक ऐसी अदाकारा की ज़रूरत थी जो कि खूबसूरत भी हो, एक उसकी एक सेंस ऑफ फैशन हो, एक सेंस ऑफ स्टाइल हो, जो एक्ट्रेस अच्छी हो, और हीना जो है वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी। और ये अलग बात है कि उन्होंने थोड़ा वक्त लिया क्योंकि उनकी आई थिंक कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर है ये रोल, लेकिन फिर जब वो उन्होंने हाँ कर दिया फिर सब कुछ कंफर्टेबल बना दिया उन्होंने। जहाँ तक रोहन का सवाल है, तो एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक भोले भाले से चेहरे वाला लड़का कैसे, जैसे हीना का डायलॉग है फिल्म में कि शैतान की कोई उम्र नहीं होती, तो बस यूं समझ लीजिए कि हमारी फिल्म का शैतान है ये, छोटा शैतान। लगते तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ। लग नहीं रहा है, लगने पे मत जाइए। हाँ, पर हमने ट्रेलर में देखा बहुत ज़्यादा ही शैतान जी, बिल्कुल। और बहुत परेशान किया है ना आप बिल्कुल। तो आप बताइए, पहले तो सर ने बोला कि आप पहली चॉइस थी जी, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इस स्क्रिप्ट में? आई थिंक द सब्जेक्ट, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अब आजकल भूतों से ज़्यादा रियलिस्टिक दुनिया में हॉरर मचा हुआ है, तो बेसिकली वो भी कंटेम्प्रेरी भूतों पे ध्यान दे रहे हैं आजकल। तो ये है हमारा कंटेम्प्रेरी भूत जो कि एक हैकर है, और अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती है। तो जब मुझे पता चला और मैंने स्क्रिप्ट सुनी, उसके बाद जितने भी डिस्कशंस हुए, फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई शुड पिक दिस अप, बिकॉज इट विल गिव अवे अ लॉट ऑफ लर्निंग। जब लोग ये फिल्म देखेंगे, लोगों को पता चलेगा कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है, आपकी जो हिम्मत है, अगर वो नहीं टूटे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप। और रोहन, आप व्हाट यू लाइक मोस्ट इन द स्क्रिप्ट? आई थिंक द कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर विवेक इज एनी एक्टर्स ड्रीम रोल टू प्ले। या इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ From being a boy next door, cute, then falling in love, lover boy, to becoming obsessive lover, to psychopath and doing things nobody would imagine to do. I think एक ही character में इतना कुछ perform करना, I think I cannot not take it. बगल में इतने दिग्गज और experienced director बैठे हैं आप लोगों के, तो इनके साथ working experience कैसा था? और ये सेट पे स्ट्रिक्ट थे, डांटते थे या बिल्कुल ईजी गोइंग थे? नहीं नहीं, कभी डांटा तो इन्होंने बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन एंड ही इज़ ऑलवेज इन हिज ओन जोन, ही नीड्स हिज ओन स्पेस, एंड वो वहीं से ऑपरेट करेंगे, सेट पे एक कॉर्नर में वो बैठेंगे, वहीं से अपने मॉनिटर्स से सब कुछ देखेंगे। ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ हिज शॉट टेकिंग एंड व्हाट ही वांट्स, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।
और एक्टर से भी ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. हैव यू गिवन सो मेनी वन शॉट्स राइट? बिकॉज उनको उससे ज़्यादा चाहिए नहीं. कभी कभी होता है ना यू नो सम डायरेक्टर्स इवन इफ यू हैव गिवन अ परफेक्ट वन शॉट दे विल स्टिल आस्क यू टू डू वन मोर टाइम बट ही नेवर यूज्ड टू डू दैट. कई बार हम कहते थे सर एक और या, और सर एक और नहीं नहीं मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया. सो वेरी क्लियर दैट केस आई मीन आप बहुत ही ज्यादा यू वर इन दिस हैप्पी स्पेस दैट योर जॉब इज डन एंड योर डायरेक्टर इज सैटिस्फाइड. एंड एक ही बार में बहुत बार ऐसा भी हुआ है दैट हमने कई टेक्स दिए हैं. बहुत बार ऐसा हुआ है हमने वन शॉट्स दिए हैं एंड ही इज अप्रिशिएटेड एंड फॉर हिम ही डिड नॉट नीड टू टेक अनदर शॉट अनदर He did not want another take of that particular shot. So, बहुत ही ज़्यादा मैंने एटलीस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म के दौरान. एक्टिंग में भी मैं बोलूँ आई हैव आई वुड से दैट आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर. आई थिंक दिस विल हैपन विद एवरी प्रोजेक्ट आई डू. आई थिंक सो बिकॉज एज द मोर यू वर्क या द मोर आई रियलाइज्ड इट एंड आई टॉकिंग टू हीना अबाउट इट दैट एवरी प्रोजेक्ट. नहीं उसमें क्या होता है कि हर डायरेक्टर की एक एक्टिंग स्कूल होती है. सम पीपल लाइक इट लाउड, सम पीपल लाइक इट सटल, सम पीपल लाइक टू मच ड्रामा, सम पीपल लाइक टू मच डायलॉग, यू टोल्ड मी दिस, सम पीपल डोंट लाइक डायलॉग्स. तो कोई राइट और रॉन्ग चीज़ तो होती नहीं है. हर डायरेक्टर अलग अलग होता है और एक अच्छे एक्टर की पहचान यही है कि वो अपने आप को हर किसी में ढाल. हाँ सर के साथ दिस the first time as in ye process inke sath I learnt is he is so clear about what he wants exactly. Yeah, he's that's the best part. To when your director is very clear haan. About what he wants na he will not take, that's what I said na kam na zyada uske sath freedom bhi like milti hai. Like he would say mujhe red color chahiye to mera kaam hoga red color do aur uske sath rainbow bhi do. So he wouldn't stop me from giving more of it but he's clear about what he really wants. Yeah. तो वो freedom भी मिल रही है and you have that clarity also. So that was one process which I encountered with sir. जिस टॉपिक पे ये फिल्म बनी है वो नॉर्मल हम लोग आम जीवन में भी बहुत बार फेस करते हैं. सो डिड यू गाइस फेस इन योर रियल लाइफ इस तरह की कोई प्रॉब्लम? डिड यू फेस एनी हैकिंग इश्यू और समथिंग लाइक दैट? नॉट डायरेक्टली टू मी बट माय फ्रेंड्स यस. He's been stalked though a lot. That's what he said that he's really been stalked by his fans and all on Instagram. That's actually I find it very sweet. It is love for love. उन्होंने love कब stalking में बदल जाए इसके लिए आप hack देखें 7 फरवरी को. Yes. बिल्कुल. मेरे साथ हुआ था. मेरा computer hack हो गया था. काफी दिक्कत हुई मुझे problem हुए. लेकिन क्या होता है ना कि हैकिंग जो है ना इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब बट इट इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस क्योंकि समबडी इज़ एंटरिंग योर प्राइवेट लाइफ. यू नो इट्स लाइक एज इफ समवन जस्ट ओपन द डोर टू योर बेडरूम एंड जस्ट सैट इनसाइड ऑन योर काउच एंड सेड हे व्हाट्स कुकिंग एंड इट्स वेरी प्राइवेट स्पेस. यू माइट नॉट हैव ऐसा हो ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ छुपाने का कुछ हो या आप कुछ बताना नहीं चाहते. इट्स जस्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन. और हम इंसान ऐसा होता है कि अगर आपको कोई स्ट्रेंजर पसंद ना हो तो आप उसके बाजू में बैठ के पिक्चर भी नहीं देख सकते. उसकी वाइब ऐसी होती है कि यार उठ के चले जाए. और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे उतर जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते. विक्रम सर आपके जॉनर तो हॉरर रहा है अभी ये भी एक डिफरेंट जॉनर है लेकिन म्यूजिकली आपकी फिल्म बहुत ब्यूटीफुल होती है. यू लाइक द म्यूजिक? आई लव्ड इट. वाओ. तो मैं वही जानना चाहूँगी कि म्यूजिक पे आप कैसा काम करते हैं क्योंकि म्यूजिक हर बार हर टाइम आउटस्टैंडिंग होती है. एक्चुअली म्यूजिक का ऐसा है ना कि म्यूजिक को सोचा नहीं जा सकता. म्यूजिक को सिर्फ महसूस किया जा सकता और जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो I just wait for my body to react. और कहीं अंदर से बात आती है. You know, your feet start tapping automatically. Script को लेके आप थोड़ा intellectualize कर सकते हैं कि audience क्या देखना चाहती है, इसका end ऐसा हो तो वैसा हो तो. लेकिन music में कोई दो राह नहीं होती. इस बार मैं lucky रहा हूँ कि जो धुनें मुझे मिली हैं वो ऐसी मिली है जो दिल के करीब हो सकती. हिना हम जब भी आपको देखते हैं ना एक नया फैशन ट्रेंड आप सेट करते हुए नजर आती हैं
मैं पर्सनली आपके फैशन ट्रेंड्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आप कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि हमारे व्यूअर्स लगातार ये जानना चाहते थे कि कब हम आपसे मिले और हम आपसे ये चीज़ पूछें कि आप इसको कैसे डिसाइड करते हो, कैसे फॉलो करते हो, हर बार उतनी खूबसूरत आप कैसे लगती हैं? सीरियसली सीरियसली बोलो बोलो मैन लुकिंग एट मी स्टॉप लुकिंग एट मी अरे अरे खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं हम भी. हाँ, हमको भी मालूम पड़ा है भाई, कुछ आधा अधूरा कुछ सीख ले. नहीं नहीं, एक्चुअली आई इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स माय एंटायर टीम. आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय स्टाइलिस्ट, शी रियली रियली वर्क्स हार्ड, माय एंटायर टीम. एट द सेम टाइम मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने बिग बॉस देखा और बिग बॉस में ही saw different Hina, who became a style icon and all that. But I kept it alive. I want to give a lot of credit to myself that I really, really work hard on every look. Like what I had to wear today, I had planned it days se. What I'm going to wear tomorrow, it's been planned. Hafton se. So we really put in a lot of effort. Like one fine day, I'll try 100 outfits. And out of 100, we'll select 10. So there is a lot of effort. So maybe for 10 events, 10 days, I have clothes, you know, sorted. But for that, I try like 100 outfits. So, बहुत ज़्यादा मैं effort करती हूँ in terms of my makeup, my looks, my hair, my everything. So yeah, and I experiment. I'm ready to experiment. I'm okay, even if sometimes people might not like it. I'm okay with that. It's okay. Sometimes you can go wrong, right? Right, wrong, right? Right. मेरा तो धोबी कपड़ा लेकर नहीं आता. जो मैंने सोचा होता है ना कि मैं इंटरव्यू के लिए वो शर्ट पहनूंगा, उस दिन सुबह वही मेरी मेड बोलती है, भैया वो तो हमने धोबी को दिया और हैं दो शर्ट, तो इसलिए आज मैंने नया लुक किया ये, क्योंकि क्योंकि शर्ट है ही नहीं मेरे पास आज. आप हमेशा स्मार्ट लगते हैं. तो हिना आप बैठी हैं सामने, हम एक क्वेश्चन तो बिग बॉस का पूछेंगे ज़रूर. आपका बहुत प्यारा एक्सपीरियंस और रिलेशन है उस जगह से, लोगों से, इस बार क्रिएटिव से क्रिएटिव से कौन फेवरेट है आपके इस बार? मेरा कोई फेवरेट नहीं है अभी तक, खत्म नहीं हुआ. नहीं, स्टिल इट गॉट एन एक्सटेंशन एंड स्टिल ऑन, आई थिंक अनदर हाफ वीक. पागल नहीं हो गया कोई अंदर? नहीं, अभी हो गए, इसलिए वो भी हैक्ड हो गए हैं. बाप रे, 5 महीने हो गए. या दे आर इनसाइड फॉर वेरी लॉन्ग. आई थिंक देयर शुड बी अ स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस. बिग बॉस ही हैक्ड का वो नहीं है, एवरीवनस आई थिंक इट कैन अफेक्ट समवनस माइंड साइकोलॉजिकली. वो दिमाग हैक करते हैं वहां अंदर सबके. बाप रे, आपका इस बार कोई फेवरेट नहीं है? नो, इस बार नहीं, मेरा पिछली बार, मेरे सीजन के बाद मेरा कोई फेवरेट नहीं है. क्या बात है. अच्छा, तो चलते चलते बस आप अपने फैंस को, व्यूअर्स को बताइए रिलीजिंग डेट क्यों देखें और किस लिए जाएं. क्यों देखें? तो आई थिंक हमें इतना बड़ा इंटरव्यू करने के बाद आप पूछने क्यों देखें आपके फैंस के लिए? नहीं, एंड सेकंडली क्यों देखें? आप जब ट्रेलर देखेंगे तो आप खुद इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे टू वॉच द फिल्म. दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी रिसीव्ड. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ट्रेलर देखें और उसके बाद आप फिल्म भी ज़रूर देखें. आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लर्निंग और सीख भी मिलेगी. सो प्लीज़ डू watch the film on 7th Feb. Yes, Allah. 2020. 2020. Theaters near you. Yeah. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Please watch the film. Thank you.